बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात विदिशा से बड़ी खबर की। विदिशा में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, कीटनाशक दवा बनाने की बताई जा रही है। फैक्ट्री बाउंड्री वॉल तोड़कर केमिकल से भरे ड्रम निकालने की कोशिश की गई। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम, मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं, दमकल टीम मौके पर मौजूद है और अभी फिलहाल आग बुझाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख लीजिए, जब धुएं का काला गुबार आसमान में दिखाई दे रहा है, दूर से ही नजर आ रहा है और यहाँ पर भीषण आग जली हुई क्योंकि यहाँ पर केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है कि आग लगी कैसे, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये देखिए किस तरीके से केमिकल से भरे जो ड्रम है वो बाहर निकाले जा रहे हैं। संवाददाता दिनेश यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, अभी क्या ताजा अपडेट है यहाँ पर? तो हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, जब चूंकि कीटनाशक बनाने का यहाँ पर काम हो रहा था, कीटनाशक दवा बनाई जा रही थी यहाँ पर, और इसी केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है और आग देखते ही देखते भड़क गई है। भारी नुकसान की बात कही जा रही है और ये धुएं का काला गुबार देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आगजनी की घटना है। और विदिशा में ये बीजेपी नेता की जो फैक्ट्री है बताई जा रही है, और इस आगजनी को काबू में करने की कोशिश करते हुए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं, आपको बुझाने के तमाम प्रयास किए गए हैं। फिलहाल अभी क्या ताजा अपडेट है वो तो आपको बताएंगे ही, सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से दिनेश का। दिनेश, क्या अपडेट अभी इस वक्त? बिल्कुल, दिन में आपको बता दूं, पूर्व विधायक जो शशांक भार्गव, इनकी केमिकल फैक्ट्री है विदिशा के पीतल मिल चौराहे पर, बात किया यहाँ पर लगभग यहाँ पर आग पर काबू यहाँ पर पा लिया गया है। तो जो तमाम जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो बुलाई गई थी यहाँ पर, भोपाल, मंडदीप, रायसेन, जो बीना रिफाइनरी है, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर मौके पर बुलाई गई थी। हम मौके पर तो कलेक्टर बुद्धिस्ट बैद, एसपी दीपक शुक्ला, ऐसे तमाम जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी वो यहाँ पर मौके पर है। हालांकि जो मैं बात करूंगी, जिस हिसाब से अभी दिल्ली में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान थे, तो यहाँ पर जो विदिशा के जो सारे तमाम नेता थे वो भी यहाँ पर दिल्ली मौजूद थे। शशांक भार्गव जो पूर्व विधायक, वो भी यहाँ पर मौके पर दिल्ली मौजूद थे। उनको जब जानकारी लगी है कि यहाँ पे उनकी फैक्ट्री आग लग गई है, तो वो भी दिल्ली से यहाँ पर विदिशा के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन लगभग यहाँ पर आग पर यहाँ पर पूरा प्रयास पा लिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पर कड़ी मशक्कत यहाँ पर जारी है और लगातार जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर मौके पर पहुंची, इसके बाद आग पर काबू पा लिया है। बिल्कुल, और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, आग पर काबू पा लिया गया है। क्या ये स्पष्ट हो पाया है कि कैसे यहाँ पर आग लगी थी, और क्या फैक्ट्री के अंदर कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे? दिनेश, कोई जानकारी मिल पाई है? फिलहाल की अभी जितना हमें बात की हुई अधिकारी, तो उनका कहना है कि किसी प्रकार कोई जन हानि यहाँ पर नहीं हुई है। अब ये जांच का विषय है कि आग किन कारणों से लगी है, या कोई शॉर्ट सर्किट की वजह आग की वजह या कुछ अन्य कोई वजह है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आज सुबह यहाँ पर आग लगने की जो सूचना मिली, जब लोगों ने आग को गुबार को देखा तो लोग यहाँ पर हड़कम मच गया, दंग रह गया लोग देख के कि काफी भीषण आग थी। 8 से 10 किलोमीटर दूर से यहाँ पर ये आग का जो गुबार है रिन्यू यहाँ पर देखा जा रहा था। बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो 8 से 10 किलोमीटर दूर से आग का गुबार देखने को मिल रहा था और काले धुएं का गुबार देखने को मिल रहा था। फिलहाल आग को बुझा लिया गया है, आग कैसे लगी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है और साथ ही कोई जनहानि नहीं हुई है। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है आग बुझ चुकी है, लेकिन यहाँ पर बड़े नुकसान का अनुमान जताया गया है। जो फैक्ट्री मालिक है उन्हें बड़ा नुकसान इस आगजनी की घटना में हुआ है। और चलिए अब देखेंगे सुपर फास्ट खबरें तेज अंदाज में।